हेलो फ्रेंड, आपका अपने चैनल लार्न स्टिचिंग में स्वागत है। आज हम ब्लाउज का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, हमने मोढ़े को काट लिया है। शोल्डर हमारी 5 इंच है, लंबाई हमारी 14 इंच है, चौड़ाई हमारी 11.5 इंच है। 6 इंच पर हमने मोढ़े का निशान लगा कर काटा है। ऊपर से 2.25 इंच पर हम गले का निशान लगाएंगे और नीचे हम 9.5 इंच पर गले का डीपनेस रखेंगे। तो देखिए, हमने 9.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। और यहाँ देखिए, हमने 5 गले का इस तरह से शेप दिया है। अब हम इसे काट लेंगे इस तरह से। देखिए, हमने काट लिया इस तरह से। यहाँ पर पहले हम ब्लाउज के कपड़े को अच्छी तरह से पहले फैला लेंगे। उसके ऊपर अस्तर को अच्छी तरह से पहले हम बराबर से रखते हुए अटैच कर लेंगे, पिन लगा देंगे। और अब हम पूरे गले पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए, हम पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे। और अब हम बीच के कपड़े को काट कर निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए, हम बीच के कपड़े को काट कर निकाल लेंगे और हल्का हल्का कट हम पूरे गले पर लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, हमने हल्का हल्का कट पूरे गले पर लगा लिया है। और इसे हम अच्छी तरह से पलट लेंगे। अच्छी तरह से पलटने के बाद हम ऊपर से गले की सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो देखिए, हमने पूरे गले पर सिलाई लगा लिया है। अब हम अस्तर और कपड़े को मिलाते हुए पूरे ब्लाउज पर सिलाई लगा लेंगे। चारों तरफ हम पूरे ब्लाउज पर इस तरह से कपड़े को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। और अब हम पूरे गले पर लैस लगा लेंगे। इस तरह से रखते हुए हम पूरे गले पर लैस लगा लेंगे। तो देखिए, हमने लैस लगा लिया है। अब हम इस ब्लाउज का 20 सेंटर करेंगे इस तरह से। देखिए, रखते हुए 20 सेंटर करेंगे। और अब हम ऊपर से 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। देखिए, ऊपर से 1-1 इंच का निशान लगा लिए हैं और इससे हम इस तरह से पार लिए हैं। तो देखिए, इसे हम इस तरह से पलटते हुए दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। इस तरह से पलटते हुए हमने पूरे ब्लाउज पर इस तरह से निशान लगा लिया है। ये देखिए, यहाँ पर हम 2 चौकोर कपड़ा लिए हैं। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3.5 इंच है। और इसे इस तरह से त्रिभुज बनाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लिए हैं। और देखिए, इस त्रिभुज को इस तरह से अटैच करना है। इस तरह से रखते हुए अटैच कर लेंगे। ये देखिए, और इसे हम इस तरह से रखते हुए इस तरह से अटैच कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर से लैस लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, हम रखते हुए लैस लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम चून दे के यहाँ पर पलट लेंगे, मोड़ लेंगे लैस को। और इस तरह से देखिए, सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ से हम लैस को डबल कर लिए हैं, डबल सिलाई कर लिए हैं। और अब हम नीचे का दोनों प्लेट डाल लेंगे इस तरह से। देखिए, नीचे का दोनों प्लेट डाल लिए हैं। और यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर का पट्टी लिए हैं। इसे देखिए, इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लिए हैं। और इसे मोड़ते हुए पाइपिंग बना लेंगे इस तरह से। देखिए, मोड़ते हुए पाइपिंग बना लिए हैं। तो देखिए, ये यहाँ पर हम 2 मोती लिए हैं और इसे त्रिभुज के कोने पर लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो देखिए, हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर